बैठे बैठे क्या सोच रहे हो एलेक्स? अपने बेटे के बारे में सोचकर मैं अपने मन का संतुलन खो रहा हूं। उससे कुछ नहीं होगा। मुझे जेल से बाहर नहीं आना चाहिए था। इस आजादी से तो कैद अच्छी थी। ये लो पैसे। क्या हो गया? मैंने ये मोबाइल अपने दोस्त की मोबाइल की दुकान पर जाकर खुलवाया और ये नंबर मिले हैं। सिर्फ दो नंबर से ही फोन आ रहे हैं। अच्छा, इसने बहुत बार फोन किया जब वो हादसा हुआ और उसके अगले दिन तकरीबन 12 बार। क्या उसके घर का पता चला? हमने मस्जिद के आसपास में पूरी इंक्वायरी की। वहाँ पे दो बच्चे हैं जो शाइनी के स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें से एक लड़की है। और दूसरा कौन था? मिला नहीं। वो एक पुलिस वाले का घर था, इसलिए हम वापस आ गए। बेकार का लफड़ा होता है ना। उसका नाम विनोय है, मेरे दोस्त का बेटा, और ये विनोय अक्सर एक साथ फुटबॉल खेलते हैं। सर क्या है, मनाने आया क्या मुझे? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूं। आपने मुझे मुजरिम के खिलाफ भगवान के दस्तखत के बारे में बोला था ना, आप भी अभी वही सुन रहे हैं। सर हादसे के दिन सुबह से इस नंबर से फोन आए हैं, उस मुजरिम के पॉकेट से जो मोबाइल गिरा उस पर। हादसे से एक घंटे पहले तक अगले दिन भी उसके लगातार कॉल आते रहे हैं सर, और ये फोन तभी आना शुरू हुए जब वो सिक्योरिटी वाले के मरने की खबर पता चली। सर क्या मैं आपको एक और बात बताऊं? जैसा आपने कहा था, वो सिक्योरिटी वाले के नाखून के निशान अगर मेरे बेटे के ऊपर है तो ये लड़का दोषी साबित हो जाएगा और ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि सिक्योरिटी वाले की मौत तभी हुई जब उसका सर दीवार से टकराया था। मैं इकलौता गवाह हूं ये सबका। उम्मीद है अब तो आप समझ ही गए होंगे कि असली कातिल कौन है। तो कौन होता है? पुलिस को तहकीकात सिखाओगे? मैं आपको तहकीकात करने के बारे में नहीं सिखा रहा हूं सर, मुझे अपने बेटे को बचाना है, वो भी बहुत थोड़े वक्त में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसको एक मुजरिम के नाते नहीं, इसको एक पिता की विनती समझिए। सही रणनीति अपनाएंगे तो हमारे बच्चे बच जाएंगे। उन्हें जेल मत भेजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जेल में कितनी मुसीबतें होती हैं। जरा दिल से सोचकर फैसला कीजिए। एलेक्स, एक और ऐसा राज है जो मैं तुमसे अब तक छुपाता रहा हूं। ये सच है कि तुम्हारे पैरोल के पेपर्स पे शाइनी ने दस्तखत किए थे, पर उसके लिए उसने 25,000 रुपए मांगे थे। उन पैसों का इंतजाम मैंने किया था, उसने वो पैसे ले जाकर सुदर्शन को दिए, वही गांजा और गांजा ऑयल खरीदने के लिए। अब उसका यह हाल है कि वो पैसों के लिए कुछ भी करेगा, ये जानने के बाद उसको सलाह देने का कोई फायदा नहीं है। और सुदर्शन को पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की थी मैंने, ये तोहफा मिला है मुझे अपनी भलाई का। तू शाइनी फिलिप्स को जानता है क्या? मुझे बता क्या किया तूने? शाइनी फिलिप्स मेरा दोस्त है सर। उस दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे अपने साथ ले गया। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। सर आप यहाँ कैसे? एलेक्स, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बात क्या है? तुम्हें अपने बेटे को पेश करना होगा, उससे पूछताछ करनी है मुझे। लेकिन वो तो आप ही की कस्टडी में है ना? नहीं, मैंने तो उसे आपके वकील के साथ भेजा था। मैंने किसी वकील को नहीं भेजा है। तो फिर वो कहाँ है? सर मैं अपने अपने बेटे को ढूंढूंगा, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, मेरे बेटे को भी बचा लेंगे।
मेरा बेटा कहाँ है? वो अब नहीं आएगा। मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हैं और इससे पहले कि मैं वापस चला जाऊं, मैं तेरा सारा का सारा कर्ज चुका देना चाहता हूं। मेरे साथ जो किया वो मैं भूल जाऊंगा, और जो तूने मेरे बेटे के साथ किया उसके लिए अगर तुझे माफ कर दूं, अखिलेश है तेरे चलने का काम आएगा। इन सबको गाड़ी में बिठाओ। चलो उठ, इसे जीप में डालो। एलेक्स, हमने दोषी को पकड़ लिया है। कोट्टामम एटीएम के मामले का दोषी पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुजरिम पुलिस के हाथ आया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हिसाब से मुजरिम को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और ऑफिसर ने मीडिया से कहा है कि अभी के लिए वो दोषी के बारे में हमें कुछ नहीं बता सकते। क्राइम नंबर 1016/2017, कोट्टामम स्टेशन क्राइम, फिलिपोस के बेटे एलेक्स। योर ऑनर, इस गुनहगार की रिमांड एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। तुमको कस्टडी में लेने के दौरान क्या पुलिस ने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई? जी नहीं। तुम्हें और कुछ कहना है? मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। योर ऑनर, इस गुनहगार को जुडिशियल कस्टडी में डाला जाए। अब्दुल चाचा, पापा ने कुछ नहीं किया, वो मैं था जिसने गलती की। पापा ने कोई गलती नहीं की। उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ था, बिना जुर्म किए ही वो जेल चला गया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। तो फिर? मिर्गी की वजह से वो कुएं में गिरी, मगर एलेक्स उसे बचा नहीं पाया। बस अगर वर्गीज गलत बयानबाजी न करता तो तुम्हारे पिता बच जाते। अब्दुल चाचा, किसी भी तरह मेरे पिता को बचा लो। द अक्यूज्ड इज रिमांडेड टू जुडिशियली कस्टडी फॉर 14 डेज। दोषी को 14 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। सर, अंदर सर, अंदर क्या हुआ बता सकते हैं आप? हटाओ इन्हें, हटाओ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? क्या बताएं, नतीजा क्या निकला? सर प्लीज बताइए। सर जी, मैंने 8 साल जेल में बिताए उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं था। मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आनी को एक बार चांटा मारा था, जिसे एक खरोच भी नहीं आने दी थी। जब वो मिर्गी के दौरे की वजह से कुएं में गिर गई, मैं उसे बचा नहीं पाया था सर। उसके लिए मैंने कोर्ट में सफाई तक नहीं दी, पर मुझे हमेशा लगा कि मैंने उसके प्रति बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं उसके बिना कभी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, और मैं जब अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे जीने की इच्छा होती है सर। मुझे किसी भी तरह अपने बेटे को बचाना है। जब मैं बाहर आया, मैं नहीं जानता था कि वो एक गैंग में था जहां से वो अपने आप को बचा नहीं सकता था। मुझे उसको बचाना है। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी जिए, इज्जत की जिंदगी जिए। वो मेरा इकलौता बच्चा है, मुझ पर दया कीजिए, उसे बचा लीजिए साहब। ये मत कहना कि आप उसे नहीं बचा सकते, वरना मैं आपके बेटे को भी मुजरिम साबित कर दूंगा। उसके साथ आपका बेटा भी शामिल होगा। सोच लीजिए, आप शायद ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना? मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा।
अगर आपको सिर्फ एक दोषी चाहिए तो मैं आऊंगा, मैं बनूंगा दोषी, मैं ये जुर्म कबूल कर लूंगा। मेरा बेटा मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगा और मैं भी कोई गवाही नहीं दूंगा। अगर आप मेरे बेटे को मुजरिम बनाएंगे, मैं कोर्ट में जुर्म कबूल कर लूंगा, गुनाह अपने सर ले लूंगा, बाकी सब आपको सोचना है। एलेक्स, सच्चाई का पता हमें थोड़ी देरी से लगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को हम संभाल लेंगे। मामा जी, मामा जी, मामा जी, पापा, पापा, मुझे माफ कर दो पापा।